हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्रेटा एसएक्स स्पोर्ट्स एक लिमिटेड एडिशन का रिव्यू। ये न्यू वेरिएंट आया है क्रेटा में, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कुछ नया है इस वेरिएंट में और बात करेंगे कार के ऑन रोड प्राइस और करेंगे इस कार का फुल डिटेल रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्या नया है इस वेरिएंट में बाकी वेरिएंट से। तो अब आपको मिलता है स्पोर्टी रियर स्पॉइलर, ये ब्लैक डुअल टोन शेड है। और अब आपको मिलता है इसमें न्यू सिल्वर स्किड प्लेट ट्विन एग्जॉस्ट के साथ, ये डमी एग्जॉस्ट है। और अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स की, तो इसमें मिलता है आपको प्रीमियम ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर। और ये वेरिएंट 11,000 मोर एक्सपेंसिव है स्टैंडर्ड एसएक्स डुअल टोन वेरिएंट से। तो चलिए अब करते हैं कार का फुल डिटेल रिव्यू ऑन रोड प्राइजेस के साथ। और ये कार आती है 7 वेरिएंट्स, 3 इंजन ऑप्शन, 7 कलर एंड 2 डुअल टोन शेड्स में। और आप देख रहे हैं पोलर वाइट डुअल टोन शेड कलर। और इस कार में मिलता है 1.6 लीटर पेट्रोल डीजल एंड 1.4 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन। और हुंडई देती है अपनी क्रेटा में 3 ईयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। और इस कार में मिलता है आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन। और ये कार बेस्ड है HIVE बॉडी शेप स्ट्रक्चर में, काफ़ी सॉलिड बॉडी शेप स्ट्रक्चर है। और अब बात करते हैं कार के फ्रंट स्टाइलिंग फीचर्स की, तो इसमें मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ ही मिलते हैं आपको LED DRLs अलॉन्ग विद फॉग लैम्प्स। और आपको मिलते हैं हेलोजन बल्ब्स फॉग लैम्प और हेडलैम्प्स में। और ये देख रहे हैं आप सिल्वर स्किड प्लेट। और इस कार में मिलती है आपको कैस्केड डिज़ाइन फ्रंट ग्रिल सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, साथ ही मिलता है आपको क्रोम सराउंड्स। और अब बात करते हैं कार के कुछ एडवांस फीचर्स की, तो इसमें मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स। ये सब स्मार्ट फीचर्स हैं कार के। और अब बात करते हैं कार के टायर साइज की, तो आपको मिलता है 215/60 R17 डायमंड कट अलॉयज के साथ, काफ़ी चंकी टायर्स हैं ये। और इसमें आपको मिलती है साइड क्लैडिंग बॉडी लाइन प्रोटेक्शन के लिए, ये ब्लैक क्लैडिंग आती है आपको। और इस कार में मिलता है ट्यूबलेस टायर्स। और ये देख रहे हैं आप इसका साइड लुक। और अब बात करते हैं कार के ORVMs की, तो इसमें मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक पावर एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, साथ ही आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक डुअल टोन रूफ सिल्वर रूफ रेल्स के साथ, ये डुअल टोन शेड है कार का। और आप देख रहे हैं क्रोम डोर हैंडल्स फ्रंट एंड रियर, ऑल 4 क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको। और ये देख रहे हैं आप साइड क्लैडिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कार के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको मिलता है 190 mm का हेल्दी ग्राउंड क्लियरेंस। और ये देख रहे हैं आप कार का साइड लुक। और अब बात करते हैं कार की डायमेंशंस की, तो आपको लेंथ मिलती है 4270 mm, हाइट मिलती है 1665 mm, विड्थ मिलती है 1780 mm, और व्हील बेस मिलता है 2590 mm। व्हील बेस होता है फ्रंट टायर से रियर टायर के डिस्टेंस। और इस कार में मिलती है आपको 55 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो चलिए अब बात करते हैं कार के रियर की और देखते हैं क्या कुछ रियर स्टाइलिंग फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप इसका रियर, और आपको मिलते हैं LED स्प्लिट टेल लैम्प्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेटा की बैजिंग। चलिए अब बात करते हैं रियर बम्पर की, तो आपको मिलते हैं रियर में रिफ्लेक्टर्स। और ये आप देख रहे हैं सिल्वर स्किड प्लेट ट्विन एग्जॉस्ट के साथ, ये डमी एग्जॉस्ट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके और स्टाइलिंग फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है हुंडई की ब्रांडिंग, और यहाँ मिल जाती है आपको एसएक्स की बैजिंग। और इस कार में मिलते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद रिवर्स कैमरा एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ, ये एक सेफ्टी फीचर्स है कार का। और इस कार में मिलते हैं आपको रियर वाइपर विद वॉशर, और साथ ही मिलता है आपको रियर डिफोगर। और ये देख रहे हैं आप रियर स्पॉइलर और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ये एक न्यू फीचर है। और ये देख रहे हैं आप शार्क फिन एंटीना कार में। चलिए चलते हैं कार के ड्राइवर डोर की तरफ, तो आपको मिलता है प्रीमियम ब्लैक इंटीरियर सिल्वर फिनिश के साथ। और आप देख रहे हैं पावर विंडो एंड ORVMs कंट्रोल। और साथ ही आपको मिल जाता है 1 लीटर बोटल होल्डर और कुछ स्टोरेज स्पेस। और इस कार में मिलता है आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स विद आर्किमिडीज साउंड सिस्टम। और इस कार में मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स ABS विद EBD स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और ये देख रहे हैं आप न्यू फैब्रिक सीट्स विद क्रेटा एम्बोस्ड। और अब बात करते हैं कार के एडजस्टमेंट्स की, तो इसमें मिलता है आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, साथ ही मिलता है हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी। और ये देख रहे हैं आप स्कफ प्लेट्स बॉडी लाइन को प्रोटेक्शन करने के लिए। और साथ ही मिलता है आपको हेडलैम्प लेवलिंग कंट्रोलर। और ये देख रहे हैं आप सिल्वर फिनिश AC वेंट्स पे। और कार का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम एंड क्लासी लगता है देखने में। तो अब आ गए हम कार के अंदर, और अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो आपको मिलते हैं लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील, साथ ही मिलते हैं ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील पर। और आपको मिलती है सिल्वर फिनिश स्टीयरिंग व्हील पर, काफ़ी क्लासी दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील।
और लेफ्ट टॉगल मिलता है वाइपर का टॉगल, राइट टॉगल मिलता है आपको हेडलाइट का टॉगल, और ये देख रहे हैं आप इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। और इस कार में मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट पैनल। और लेफ्ट में मिलता है आपको आरपीएम मीटर, राइट में मिलता है आपको स्पीडोमीटर, और ये EMID शो करता है ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल एवरेज, एवरेज फ्यूल कंजप्शन। साथ ही शो करता है रियल टाइम स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर एंड टोटल डिस्टेंस। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इसमें आपको मिलती है लो फ्यूल एंड सीट बेल्ट वार्निंग सेफ्टी के लिए। और अब बात करते हैं टच स्क्रीन की, तो इसमें मिलता है आपको 7 inches का टच स्क्रीन, और यहाँ मिलती है डिजिटल क्लॉक, और आप देख रहे हैं हैजार्ड लाइट स्विच, और आपको मिलता है इसमें फुली ऑटोमेटिक AC, और इसमें मिलता है फर्स्ट इन सेगमेंट वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का फीचर। ये कार का काफ़ी एडवांस एंड स्मार्ट फीचर है। और आप देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक गियर नॉब। तो चलिए अब बात करते हैं कार की टच स्क्रीन की। तो ये टच स्क्रीन सपोर्ट करता है USB, ब्लूटूथ, रेडियो, ऑक्स का ऑप्शन अब नहीं आता, पहले आता था। और इसमें मिलती है आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, GPS एंड नेविगेशन। और ये सपोर्ट करता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, और इसमें मिलता है आपको आर्किमिस साउंड मोड, और साथ ही मिलते हैं आपको कुछ और एडवांस फीचर्स जैसे स्मार्ट की बैंड कनेक्टिविटी और हुंडई iBlue ऐप। ये बहुत एडवांस फीचर हैं इस कार के। और इसमें मिलता है आपको मिरर लिंक एंड वीडियो प्लेबैक जैसे ऑप्शंस भी। और कार की टच स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको मिलता है GPS कार्ड स्लॉट, यहाँ पे मैप्स के लिए कार्ड स्लॉट होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटर पैनल की। तो आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, साथ ही मिलता है स्लाइडिंग आर्मरेस्ट। ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज, काफ़ी अच्छा स्टोरेज आ जाता है इसमें। और नॉर्मल XX में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड में ब्लैक के साथ बीज आता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक एंड ग्रे डुअल टोन डैशबोर्ड क्योंकि ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। चलिए बात करते हैं कार के ग्लव बॉक्स की। तो आपको मिलता है इसमें कूल ग्लव बॉक्स विद मैसिव स्टोरेज स्पेस, काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस आ जाता है इसमें। तो चलिए अब बात करते हैं कार के प्लास्टिक क्वालिटी की। तो आपको इंटीरियर में काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लगती है, कहीं से भी आपको पैनल में गैप नहीं मिलता। डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। और इस कार में मिलता है आपको डे एंड नाइट मैनुअल IRVM, और इस नॉब से आप इसको दोनों मोड्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको सनग्लास होल्डर सनग्लासेस रखने के लिए। और इस कार में मिलता है आपको हेलोजन कैबिन लैंप्स दोनों साइड में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टिकट होल्डर राइट साइड के सनशीट पर, और लेफ्ट साइड में मिलता है आपको वैनिटी मिरर सनशीट्स पर। और इस कार में मिलता है आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है कार में, और इसी बटन से ये क्लोज हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं कार के रियर सीट पर और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमें वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका रियर डोर, और रियर में भी आपको सिंगल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं देखने के लिए। और ये देख रहे हैं आप ब्लैक डोर, साथ ही सिल्वर फिनिश मिलती है। और यहाँ देख रहे हैं आप डोर आर्मरेस्ट, और ये 1 liter बॉटल होल्डर और रियर स्पीकर। और ये देख रहे हैं आप कंप्लीट लेग रूम, कार में काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 adjustable हेडरेस्ट विद सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ, और यहाँ पे मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट। और इस कार की रियर सीट पे इतना स्पेस है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे मिलता है आपको रियर AC वेंट्स 12V के पावर सॉकेट के साथ। और ये देख रहे हैं आप डैशबोर्ड का लुक, और ये सनरूफ। और यहाँ पे मिलता है आपको रियर कैबिन लैंप, ये भी हैलोजन कैबिन लैंप है। और ये देख रहे हैं आप रियर सीट बेल्ट्स। तो चलिए अब चलते हैं कार के बूट में और देखते हैं कितना बूट स्पेस हमें देखने को मिल जाता है। और इस कार में मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपनर, इस बटन को प्रेस करके ओपन हो जाता है टेलगेट। और आपको मिलता है इसमें 400 liters का हैवी बूट स्पेस, आप देख रहे हैं इसका बूट स्पेस। और यहाँ पर आपको मिलता है लगेज लैंप। और इस कार में 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं आती, इसमें आपको सिंपल बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं। चलिए अब देखते हैं इसका स्पेयर व्हील। तो आपको मिलता है 17 इंचेस का स्टील रिम स्पेयर व्हील में। और ये देख रहे हैं आप इसका रियर पार्सल ट्रे। तो चलिए अब बात करते हैं कार के इंजन ऑप्शंस की। तो इसमें मिलता है आपको 1.6 liter 1591 cc पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 123 PS पावर और 151 Nm का टॉर्क। और इस कार में मिलता है आपको 1.6 लीटर 1582 cc CRDI डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 128 PS पावर और 260 Nm का टॉर्क। साथ ही मिलता है आपको 1.4 लीटर 1396 cc CRDI डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 90 PS पावर और उसमें मिलता है आपको टॉर्क 219 Nm का। और इस कार में मिलते हैं डिस्क ब्रेक फ्रंट में और ड्रम ब्रेक्स रियर में। और ये देख रहे हैं आप न्यू फैब्रिक सीट्स डिज़ाइन।
और अब बात करते हैं कार के ऑन रोड प्राइसेस की। तो पेट्रोल 1.6 स्टार्ट होती है 11.74 लाख से, जाती है 16.83 लाख तक, और डीजल 1.6 रेंज स्टार्ट होती है 16.22 लाख से, जाती है 18.58 लाख तक, और डीजल 1.4 की रेंज स्टार्ट होती है 11,58,000 से, जाती है 14,10,000 तक, और ये कार का प्राइस है 15,38,000। ये देख रहे हैं आप एसएक्स स्पोर्ट्स डुअल टोन स्पेशल एडिशन। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।